We greet each and every one of you seated before your television waiting for this program. हम हर एक का अभिवादन करते हैं जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी के सामने. We thank God for this opportunity. Once again, we can come into your homes and sit and join in fellowship with you. एक और बार हमें अवसर मिला कि आपके घरों में आकर आपके साथ बैठकर इस कार्यक्रम को इस प्रकार देखने के लिए अवसर दिया है. As you have seen in the coming episodes, we are going to discuss about three important people. जिस प्रकार आपने देखा कि आने वाले कड़ियों में कुछ तीन प्रमुख बातों की ओर हम देखेंगे. Some of you would have already guessed, I'm sure that it is correct, Paul, Barnabas and John Mark. और आप में से कुछ लोग उसको पहचान लिए हैं जो है पौलुस, बरनबास और यहुन्ना जो मरकुस. Of the four gospel writers, we know very well only Matthew and John were the disciples who were with Jesus Christ. और चार सुसमाचार लेखकों में से दो ऐसे व्यक्तियों को हम अच्छी तौर से जानते हैं जो यीशु के चेले थे, जो है मत्ती और यहुन्ना जो उसके साथ वास करते. For three and a half years they traveled with him and witnessed all the teachings and the miracles he performed. और 3.5 साल तक उस प्रकार यीशु के साथ चलते रहे और हर एक चमत्कार और शिक्षा को उस प्रकार गवाह बनते गए जो उन्होंने देखा था पढ़ा था. They had also stayed with him and witnessed the ascension of Jesus Christ. उन्होंने उनके साथ रहकर किस प्रकार यीशु मसीह के ऊपर उठा लिए जाने की अवस्था को भी उन्होंने देखा था. Of these two disciples, Matthew is an educated and person and he worked as a tax collector in the Roman government. और मत्ती को हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षा वो प्राप्त किया था और चुंगी लेने का एक कार्य को उसे सौंपा गया था उस रोमी साम्राज्य में. John on the other hand was a fisherman and the son of Zebedee. और यहुन्ना को दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक मछुआ था और वो जबदी का बेटा भी था. In the beginning, he along with his brother James left their profession of fishing and blindly followed Jesus Christ. और हम देखते हैं शुरुआत में किस प्रकार अपने भाई याकूब के साथ अपनी धंधा को छोड़कर पूर्ण तौर पर मसीह का अनुकरण करने के लिए निकल पड़े थे. The other two gospel writers, Luke and Mark, were not disciples, but of the Lord Jesus Christ. और दो ऐसे लेखक थे जो लूका और मरकुस जो यीशु मसीह के चेले नहीं थे मगर उस पर उस प्रकार विश्वास करते थे लगातार. But Mark would have seen Jesus Christ when he was a young lad. लेकिन मरकुस यीशु को देखा होगा जब वो एक जवान लड़के के समान में था. His mother had a big house in Jerusalem and always hosted God's people in her house. और उसकी माता को यरूशलेम में बहुत बड़ा घर था जहां पर परमेश्वर के लोगों को बुलाती थी उस प्रकार की बातों के लिए जो वहां पर प्रार्थना के तौर पे. If we read Mark chapter 14 and verse 51, it says, when they arrested Christ at Gethsemane, there was a young man following Jesus. अगर मरकुस उसका 14:51 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गतसमने के उस यात्रा में एक जवान यीशु मसीह का अनुकरण करता है जो चादर लिए हुए उस प्रकार की अवस्थे में. And verse 52 says, when the young man caught the lad, he leaving his clothes ran naked. और 52वां पद इस प्रकार कहता है, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया वो जवान भाई. This is mentioned here only in the book of Mark. और हम देखते हैं कि ये केवल मरकुस के पुस्तक में ही इस प्रकार बताया गया है. So in all probability it was Mark himself. और यह संभव है कि ये मरकुस खुद ये इस प्रकार बताया गया जवान भाई है. Mark was probably 10 to 12 years old when Jesus Christ was crucified. हो सकता है मरकुस की उम्र 10 से 12 साल की होगी जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था. Mark would have seen Christ during the last supper which was held at his mother's house. और हो सकता है मरकुस इस प्रकार देखा होगा जो आखिरी भोज जो उसने किया था उसके माता के घर में था. Even I guess he would have witnessed the crucifixion. यहाँ तक मैं इस प्रकार विचार करती हूँ कि यीशु का क्रूस पर लटकाए जाना भी वो गवाह बना होगा. But if we take Luke who wrote the Gospel of Luke and Acts of the Apostles, nowhere he was mentioned that he had seen Christ or witnessed his miracles.
और लूका जो लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम को लिखता है, उस लूका को हम कहीं भी नहीं देखते हैं एक गवाह के तौर पर यीशु के चमत्कार को या उस प्रकार की बातों की ओर। The writings of Luke was accurate and authentic as he verified all incidents that happened before he wrote about them. और लूका रचित सुसमाचार में जो कुछ बताया गया है वो सभी कुछ सीधा और उस प्रकार नियुक्त के तौर पर था, उसे लिखने से पहले सभी कुछ जांच कर उसी प्रकार किया गया था। He wrote two important books. और उसने दो प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार लिखी। Why I say it is more authentic and informative is because if we read Luke chapter 1 verses 1 to 4. और किस प्रकार ये दोनों पुस्तकें उस क्रम अनुसार या सीधे तौर पर लिखा गया है, अगर लूका उसका पहला अध्याय 1 से 4 अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से। I will read it for you from the New English Translation. मैं उसे पढ़ूंगा इस परिभाषा में जो यहाँ पर बताया गया है। He writes clearly, now many have undertaken to compile an account of things that have been fulfilled among us. यहाँ पर लिखता है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। Like the accounts passed on to us by those who were eyewitnesses and servants of the word from the beginning. जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। So it seemed good to me as well, because I have followed all things carefully from the beginning. To write an orderly account for you, most excellent Theophilus. इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ ही से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। So that you may know for certain the things you were taught. ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। So, from this passage, we understand three important things. इस भाग से हम तीन ऐसे प्रमुख बातों को देख सकते हैं जो यहाँ बताई गई। Firstly, he has to submit these two books to a high official in the government named Theophilus. और ये दोनों पुस्तक इस प्रकार एक सरकारी नौकरी में उच्च स्तर में काम करने वाले थियोफिलस को सौंपने की जरूरी वो समझता है। Secondly, many people wanted to write about the history of Jesus Christ, but passed on the information to him. और कई लोग इस प्रकार यीशु के बारे में उस प्रकार की बातों को लिखना चाहते थे जिस प्रकार उनको ये सब कुछ बताया गया जो सूचना उनको मिली गई थी। Lastly, he personally met with the witnesses and interviewed them and then wrote with a greater authenticity. और आखिरकार हम देखते हैं कि वो उन लोगों से मिलता है जो गवाह बनते हैं और उस प्रकार उसे क्रम अनुसार सूचना के तौर पर लिखा गया जो बहुत ही आधिकारिक तौर पर लिखा गया था। After writing the Gospel of Luke, then again he writes to Theophilus the second book. That is the Acts of the Apostles. लूका रचित सुसमाचार लिखने के बाद हम देखते हैं कि एक और पुस्तक को थियोफिलस को लिखता है और वो पुस्तक का नाम है प्रेरितों के काम के तौर पर। He has written about 28 chapters in the Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम में उसने 28 ऐसे अध्याय को साफ तौर पर लिखता है। In the first book, he writes about Jesus Christ, his work, his ministry, his death and resurrection. और पहले पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखता है, उसका काम, उसका जिस प्रकार चमत्कार और उसके मारे जाने और उसका उठा लिया जाना या फिर से जी उठना। In the second book, he writes about how the gospel was spread after Jesus Christ and all the people involved in this act. और हम देखते हैं उसके बाद इस पुस्तक में लिखता है किस प्रकार सुसमाचार का फैलना और किस प्रकार हरेक लोग उसमें उपस्थित होते हैं उस सुसमाचार के फैलाने में जो यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया गया था। Had Luke not written these things, we would have not have any idea of the things that had happened after the death and resurrection of Jesus Christ.
अगर लूका इस पुस्तक को नहीं लिखता तो हम नहीं जानते यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के बाद क्या कुछ वहां पर घटता है जो यीशु की ओर से दिया गया था। यू कैन डिवाइड द बुक ऑफ एक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। आप प्रेरितों के काम को दो भागों में बांट सकते हैं। चैप्टर्स 1-12 व्हिच विल टेल इन डिटेल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द एग्जिट ऑफ पीटर इन द 12th चैप्टर। और एक से लेकर 12वें अध्याय तक हम देखते हैं किस प्रकार सेविकाई की गहराई को साफ तौर पर बताया गया, और 12वें अध्याय में पत्रस का अंतिम भाग के बारे में वहां पर बताया गया है। Then, chapters 13-28, he writes in details of Paul and other people. और 13 से लेकर 28वें अध्याय तक हम देखते हैं साफ तौर पर गहराई से पौलुस की सेवकाई और अन्य लोगों के बारे में वहां पर बताई गई है। You should remember here that Luke introduces Paul earlier in the book of Acts chapter 7 and verses 58 and also in the 9th and 11th chapters. आप याद रखें, लूका पहले से ही पौलुस के बारे में कहता है जो 7वां अध्याय उसके 52वें पद में, और उसके बाद 9वें अध्याय में, और उसके बाद हम देखते हैं 11वें अध्याय में। Before we discuss about Paul and Barnabas and their ministry, और पौलुस की और बर्नबास की सेवकाई के बारे में विवरण करने से पहले, I would like to mention a few things about King Herod, who was the ruler at that time. मैं उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो राजा हेरोदेस थे, जो उस समय वहाँ पर राज्य करता था। We are referring to King Herod Agrippa I, who was the ruler of Judea, so Jerusalem came under his control. और हम देखते हैं उस हेरोदेस राजा जो अग्रिप्पा पहला था, उसको हम देखते हैं किस प्रकार यहूदा और यरूशलेम पर राज्य करता था, जिसके नियंत्रण में सब कुछ थी। He was the grandson of the evil emperor Herod the Great, who ordered that the children of Bethlehem below 2 years to be murdered. और वो क्रूर उस राजा हेरोदेस जो महान था, उसका पोते के तौर पर था, जिसने इस प्रकार आज्ञा दी थी कि बेतलहम के सभी जो 2 वर्ष से कम हैं, उन सभी को मार डाला जाए, वो बच्चों को। He was also the nephew of Herod Antipas, who was beheaded John the Baptist. वो उसका चचेरा था जो हेरोदेस एंटिपस, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सिर को काट दिया था। Before, Paul was persecuting the Christians. और पहले पौलुस कलीसिया को पीड़ा में डालती थी। Herod, who was the king of Judah, was persecuting the new believers. हेरोद जो यहूदा का राजा था, इस प्रकार नए विश्वासियों को उस प्रकार की पीड़ा में डालता था जो कठिन था। The Bible records that he had arrested James, the brother of John, and beheaded him. और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है उसने याकूब को बंदीगृह में डालकर उसको तलवार से मरवा डाला। Thus, James became the first of the apostles to be martyred. और उस प्रकार हम देखते हैं याकूब जो पहला प्रेरित बनता है उस प्रकार कुर्बान होने के लिए। If you read Matthew chapter 20 and verses 20-28, it takes on a special significance. अगर आप पढ़ते हैं मत्ती उसका 20वां अध्याय 20 से लेकर 28 तक, तो आप देखते हैं कि वहां पर कुछ विशेष बात बहुत साफ तौर पर कहती है। The mother of James and John had asked Jesus to allow her sons to sit on either side of the throne. और वहां पर याकूब और यूहन्ना की माता किस प्रकार यीशु से मांग करती है उसके सिंहासन की दोनों ओर इन दोनों को बैठाया जाए। But Jesus made it clear that there can be no glory without suffering. लेकिन यीशु ने साफ तौर पर कह दिया था कि कभी भी महिमा नहीं हो सकती जब तक उस कष्ट को आप नहीं सहते हो। James was arrested and killed, and John became an exile in the Isle of Patmos, a prison of Rome. और हम देखते हैं याकूब को बंदीगृह में डाला गया और उसके बाद उसका सिर को काटा गया, और हम देखते हैं यूहन्ना को उस बंदीगृह में डाला गया जो पतमुस की टापू के तौर पर। King Herod Agrippa was happy that he had killed James, as this act pleased the Jews. और इस प्रकार हेरोदेस जो अग्रिप्पा था बहुत ही खुश हुआ कि किस प्रकार यहूदियों को खुश करने के लिए उसे मार डाला गया था। So now
Agrippa wanted to arrest Peter and kill him so that he could please more Jews. और इसलिए वो अग्रिप्पा पत्रस को भी बंदीगृह में डालकर मरवाना चाहता था ताकि और भी यहूदी लोग उसी प्रकार प्रसन्न होते जाएं। If you read the book of Acts chapter 12 and verses 4 to 10, you will understand how Peter was arrested and put in prison. अगर आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 4 से लेकर 10 तक तो आप जानोगे कि किस प्रकार पत्रस को बंदीगृह में डाला गया था और किस प्रकार की पीड़ा से वो जाता है। He was heavily guarded by 16 soldiers, that is 4 for each watch. और 16 सिपाहियों के द्वारा बहुत ही कड़क उसको सुरक्षा दी गई थी ऐसे 4 पहरों के लिए। They kept guard over the apostles with 2 chained to the prisoner and 2 guarded the doors. पत्रस को इतनी बड़ी सुरक्षा थी कि 2 ऐसे जंजीरों से बंधा हुआ था और 2 सिपाहियों के बीच में उस प्रकार ठहराया गया था। Herod did this because the first time Peter was arrested with John for a night, as recorded in Acts chapter 4 and verse 3. और हम देखते हैं कि पत्रस पहले भी एक बार इस प्रकार यहोन्ना के साथ बंदीगृह में पड़ा था जो प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 3रे पद में साफ तौर पर बताया गया है। He came out mysteriously out of the jail. और हम देखते हैं बहुत ही अलग तौर पर वो बंदीगृह से बाहर आ गया था जो उस समय। This time Herod made sure that he would not escape. और हेरोद इस प्रकार निश्चय कर चुका था कि कभी भी पत्रस बच नहीं सकता उस प्रकार। In the meantime, the new converts were praying hard for Peter. और उसी समय जो नए परिवर्तित मसीही लोग पत्रस के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। You all know the story, the night before he was going to be brought before the people. आप सभी जानते हैं उस कहानी को कि अगले दिन लोगों के बीच में पत्रस को लाना था, बीती रात को क्या घटता है और क्या होता है। An angel of the Lord appeared and set Peter free from the prison. और हम देखते हैं परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित होता है और पत्रस को स्वतंत्र करता है उस बंदीगृह से। This happened in spite of all the high security that was around Peter. और पत्रस के चारों ओर जो बड़ी सुरक्षा होते हुए भी इस प्रकार की घटना वहां पर होता है जो परमेश्वर की ओर से। Straight away, Peter went to Mark's house, and we know the incidents as he explains to everyone about how he was released by the angel. और सीधा मरकुस के घर में जाता है और वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार पत्रस उसका विवरण करता है कि किस प्रकार उसको बंदीगृह से रिहाई मिलती है या फिर छूटता है। The book of Acts chapter 12 verse 17 says, after narrating the incident, Peter left for another place. प्रेरितों के काम 12 के 17 में इस प्रकार पत्रस के बारे में कहता है, सभी बातों को कहने के बाद तब निकलकर दूसरे जगह चला गया। When Peter left after the meeting, no one knows even till today. और हम देखते हैं उस सभा के बाद कि पत्रस वहां से निकलता है और आज तक नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटा और कहां है। It was certainly a well kept secret. और ये बहुत ही गुप्त तौर पर पत्रस को रखा गया था। I am surprised how gospel writer Luke did not write details about Peter after being released from prison. मैं अचंभित होती हूँ कि किस प्रकार वो लूका उन बातों को नहीं लिखता है जिस प्रकार की रिहाई पत्रस को मिलता है उस बंदीगृह के बाद उसके साथ क्या घटा और कहाँ को गया। Peter also did not mention about his ministry after his release in his 2 epistles. और पत्रस अपनी सेवकाई के बारे में भी नहीं बताता है कि किस प्रकार उसको रिहाई मिलने के बाद अपनी 2 पत्रियों में उसके बारे में कोई तौर पर नहीं कहता है। Another gospel writer Mark also did not give details of Peter's ministry after his release from prison. और मरकुस भी अपने सुसमाचार में नहीं बताता है कि पत्रस के साथ क्या घटता है उसकी रिहाई के बाद कि किस प्रकार के कार्य में पत्रस अपने आप को करता है। Bible scholars say Mark wrote the gospel on behalf of Peter. बाइबल के ज्ञानी इस प्रकार कहते हैं कि मरकुस ने उस सुसमाचार को लिखा है जो
पत्रस के द्वारा लिखा जाना था। I believe Peter could have explained this ministry to Mark. मैं विश्वास करती हूँ कि पत्रस अपनी सेवकाई के बारे में साफ तौर पर मरकुस को बता सकती थी। But somehow the details of Peter's ministry between the release from the prison and the martyrdom is not mentioned anywhere. और हम देखते हैं कि पत्रस के रिहाई के बाद क्या कुछ उसके साथ घटता है या फिर आखिरकार उसका कुर्बान, इन सभी बातों की ओर कोई भी लेखन नहीं बताता है। Nowhere in the Bible gives a reference of Peter. और कहीं भी पत्रस के बारे में बाइबल में उसके बाद नहीं बताया गया है। But Luke gives a clear picture of Paul's ministry, journey and up to the time he reaches Rome. और लूका साफ तौर पर पौलुस के सेवकाई के बारे में, जिस प्रकार की वो सेवकाई वहां पर करता है और उस यात्रा को जहां तक कि वो रोम पर पहुंच जाता है। Except for a brief appearance in the book of Acts, chapter 15, Peter walks off the pages of the book of Acts. केवल कुछ समय के लिए प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में पत्रस के बारे में बताया गया है, उसके सिवाय आगे हम देखते हैं कहीं भी पत्रस के बारे में नहीं बताया गया उसकी ओर से। And makes way for Paul and the story of the ministry among the Gentiles. और उस मार्ग को तैयार करता है जिस प्रकार पौलुस के लिए और जो उस सेवकाई करता है अन्य जातियों के बीच में। So now we see the Luke that Luke finishes with the story of Peter and after the 12th chapter he turns his attention to the apostle Paul. Luca ko hum dekhte hain kis prakar 12ve adhyay mein us Petrus ke bare mein saaf taur par bataya gaya, uske baad 13ve adhyay mein wo apna dhyan Paulus ki or jo prerit ke taur par bataya gaya wahan par. When Herod comes to know that Peter escaped from the prison, he gets very angry and orders to kill all the prison guards and he goes to Caesarea. और हम देखते हैं जब हेरोदेस ने उस प्रकार देखा कि पत्रस बच निकला तो वहां पर वो सभी बंदीगृह के अधिकारियों को मारने की आज्ञा देकर कैसरिया की ओर चला जाता है जो उसके लिए ठहराया गया था। If we read the Bible in the book of Acts chapter 12 and verses 21 to 23. अगर बाइबल को हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान देने लगा। They shouted, "This is the voice of a God and not of a man." तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. परमेश्वर को महिमा न देने के कारण परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे मारता है और कीड़े पड़कर मर गया वो। He died in AD 44. और वो मरता है AD 44 में। Here, I would like to draw your attention to two important points. और यहाँ आपका ध्यान दो ऐसे बातों की ओर ले जाना चाहती हूँ। Firstly, the one who had executed Apostle James to please the Jews himself was slain at the hands of God. और हम देखते हैं जब वो उस प्रेरित को मारता है ताकि यहूदियों को खुश करने के लिए, वो राजा खुद यहाँ पर मार खाता है उस परमेश्वर के हाथ से। God is able to destroy both body and soul in hell. परमेश्वर योग्य है नाश करने के लिए वो शरीर और उस प्राण को जो उस नरक में। Herod Agrippa 1 reaped what he had sown. और हेरोदेस अग्रिप्पा जो पहला जो कुछ बोया था उसी को उसने काटा भी। Secondly, we see an important point from the incident when Peter was kept in prison. और दूसरी बात वहां पर हम देखते हैं जो उस घटना की ओर होता है जब पत्रस को बंदीगृह में रखा गया था। But the church was earnestly praying to God for him. मगर कलीसिया पूरे मन के साथ उस पत्रस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। It would be profitable to consider for us how Christians can pray for those in prison.
और वो कितने फायदेमंद हो सकता है कि हम मसीही लोग प्रार्थना करें जिस प्रकार के बंदीगृह में लोग उस प्रकार पढ़ते हैं। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 24 और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 उसके 24 में इस प्रकार दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हेरोद अग्रिप्पा उस अग्रिप्पा राजा जो हेरोदेस पहला था उसके मृत्यु के बाद द वर्ड ऑफ गॉड ग्रू एंड मल्टीप्लाइड परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। In the beginning of the book of Acts, chapter 12, Herod seems to be in control and the church was losing the battle. और 12वां अध्याय के शुरू में हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा सभी के ऊपर नियंत्रण करता है और कलीसिया उस सब को खोते हुए अवस्थे में हम देखते हैं। But by the end of the chapter, Herod is dead and the church is very much alive. And growing rapidly. और 12वें अध्याय के आखिर में हम देखते हैं कि राजा मर चुका था और कलीसिया किस प्रकार जल्दी से बढ़ रही थी और फैलता भी गया। You may want to know what is the secret. आप जानना चाहते होंगे कि क्या है वो गुप्त बात वहाँ पर। The answer simply is the praying church. और उत्तर केवल यही है जो बहुत ही साधारण जो कलीसिया प्रार्थना करती हुई। After this incident. Luke writes from chapter 13 onwards to chapter 28 about Paul spreading the gospel till he reached Rome. इस घटना के बाद लुका इस प्रकार 13वें अध्याय से 28वें अध्याय तक पौलुस की सेवकाई के बारे में कहता है किस प्रकार प्रचार करता है और पौलुस किस प्रकार रोम पर पहुंच जाता है। God knows the right time and the season to spread His word. और परमेश्वर जानता है उस सही समय को और उस मौसम को जहां पर परमेश्वर के वचन को फैलाया जाए। King Herod had died. Now Paul, Barnabas and John Paul enter the scene. और हेरोदेस राजा वहां पर मरता है और हम देखते हैं पौलुस, बर्नबास और यहोन्ना जो मरकुस है उसके बारे में बताया गया है वहां पर। Last week I explained to you Barnabas was sent to Antioch from Jerusalem to review the situation of the newly converted Christians. और हम देखते हैं पिछले कड़ी में हमने देखा था बर्नबास को भेजा गया था जो अंताकिया में यरूशलेम की ओर से कि किस प्रकार नए जो विश्वासी लोग हैं किस प्रकार वो बढ़ रहे हैं और उनकी अवस्था क्या है। From Antioch he came to Tarsus and took Paul back to Antioch and taught in the region for a year. और अंतियोक से वो उस तरसूस की ओर आता है और पौलुस को लेकर वापस अंताकिया जाता है जहां पर वो उस प्रकार की शिक्षा को देता है जो वहां पर बताया। Now they had to go to Jerusalem to clarify about the circumcision. और अभी उसे यरूशलेम को जाना है कि उस खतना रहित बातों को साफ तौर पर लिखा देने के लिए। They got a written letter from James the brother of Jesus Christ. And clarified that circumcision was not necessary for Gentiles to become Christians. और अभी उन्होंने एक पत्र को प्राप्त किया था यीशु के भाई उस याकूब की ओर से कि किस प्रकार खतना जरूरी नहीं है जो पहले मसीह में आए हुए लोग जो अन्य जातियों में से आए हैं। Armed with this letter, they came back to Antioch. और उस प्रकार हम देखते हैं कि वो सभी अंताकिया को आते हैं। Here, while they were praying, the Holy Spirit wanted the believers to separate Paul and Barnabas for the ministry. और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा अगुवाई करती है कि पौलुस और बर्नबास को अलग करे उस विशेष सेवकाई के लिए। We can read this in the book of Acts, chapter 13 and verse 2. और वो हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसके दूसरे आयत में। It says, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work for which I have called them. और जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बर्नबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। In the next episode, we will see in detail all the works done by Barnabas and Paul of Tarsus. और अगले कड़ी में हम देखेंगे गहराई से कि जो कुछ कार्य बर्नबास और पौलुस जो तरसुस का था उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसकी। May God bless each and every one of you
And we hope and pray that you enjoyed this chapter very much. होने पाए कि परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ लगातार बनी रहे और हम आशा करते हैं कि इससे आप बहुत ही प्रसन्न हैं इस अध्याय को सीखने के द्वारा. God bless you. परमेश्वर आशीष दे. Hallelujah, al yom shemei. Hallelujah, al ma sheha ya ya, u ma sheot lo.